हेलो एवरीवन, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। द मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस, मैग्नीफिकेशन लेंस का कितना है? -3। नेम द लेंस, लेंस का नेम बताना है कि वो कॉनकेव लेंस है या कॉन्वैक्स लेंस है, ये दोनों में से कौन सा लेंस है, और यू और वी का रिलेशन भी बताना है। फार्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन क्या होता है? वी बाई यू, और मैग्नीफिकेशन -3 है, वी बाई यू, और वी इज इक्वल टू -3 u। दिस इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड वी। इसका आंसर मिल गया, यू और वी का रिलेशन क्या है। और अब दूसरा क्या है कि लेंस का नेचर बताना है। तो मैग्नीफिकेशन, अगर देखो यहाँ पर m दिख रहा है, m की वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो मैग्नीफिकेशन होगा, मैग्नीफिकेशन होगा m की वैल्यू, और ये कन्वैक्स लेंस होगा। मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर होगा तो ये मैग्नीफिकेशन होगा, वो सेम साइज का होगा, यानी कि i और o की साइज सेम होगी और कन्वैक्स लेंस होगा। m की वैल्यू 1 से छोटी होगी और यहाँ पर आई जो है, यानी कि साइज ऑफ इमेज, ये लेस देन होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, साइज ऑफ इमेज ग्रेटर देन होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, और ये कॉन्वैक्स लेंस होगा। ठीक है, एक मिनट रुको, आई की वैल्यू छोटी होगी, ठीक है, आई की वैल्यू छोटी होगी ओ से, तो ये हो जाएगा और कॉन्वैक्स लेंस होगा। यानी कि आपने क्या देखा कि कॉन्वैक्स लेंस में m की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकता है। लेकिन एक बात आप और देखें, जब कभी भी कनकेव लेंस मिलेगा आपको, तो m की वैल्यू जो होगी ना, वो लेस देन 1 ही होगी कनकेव में, हमेशा 1 ये छोटी ही रहने वाली है। और एक चीज़ बता दें आपको कि यहाँ पर अगर माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें आप, तो आपको क्या बता रहा है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये भी तो m इक्वल टू होता है आई बाई ओ, तो m की वैल्यू -3 और आई बाई ओ, और यहाँ से आप देखें तो i इज इक्वल टू -3 इंटू ओ। तो यहाँ से एक चीज़ आपको पता चल पा रही है कि जो साइज ऑफ इमेज है ऑब्जेक्ट की, साइज का 3 गुना है, भले ही वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। माइनस साइन यही तो बता रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट का 3 गुना है। तो क्या ये कॉनकेव में पॉसिबल हो सकता है? कॉनकेव में पॉसिबल हो सकता है, कॉनकेव लेंस में नहीं। तो ये कौन सा लेंस है? कॉन्वैक्स लेंस है। क्या है ये? कॉन्वैक्स लेंस है। तो लेंस का नेचर कॉन्वैक्स है और यहाँ पर मैग्नीफिकेशन 3 है और यू और वी का रिलेशन भी आ गया। ठीक है।